Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये पीछे जो मेरे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये ऑफ कोर्स हमारा घर, हमारा कमरा तो नहीं है। ये कहाँ का कमरा है? ये है लाहौर में हमारा होटल। होटल में हम क्यों हैं? हम मेरे फादर इन लॉ के इंजेक्शन के लिए आए थे। उनको इनमोल में एक न्यूरो समथिंग क्या होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन का एक इंजेक्शन लगता है। पीएसए लेवल ऊपर जाता है, उसके बाद उनको इंजेक्शन लगता है, सो इट नॉर्मलाइजेस, बिकॉज माई फादर इन लॉ हैज प्रोस्टेट कैंसर। तो ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं उस इंजेक्शन की वजह से, इट रियली हेल्प्स। तो हम उस लिए आए थे। अब गाइज होने वाला है सैरी का टाइम, समवेयर इन बिटवीन डिनर एंड सैरी का टाइम। यूजुअली मुझे नहीं पता था कि लोग बहुत जल्दी अर्ली सैरी भी करते हैं, मतलब अराउंड 1 AM 30 AM। तो आज हमारी बारी। ये हमारी जो बेगम है, ये गई हुई थी लिबर्टी मार्केट। हमारे चेहरे से आपको समझ आ गई होगी कि ये थोड़ा सा सोता हुआ चेहरे, मैं अभी भी उठाऊँ। सारे रमजान में जो रूटीन है वो काफी ऑफ होती है। रूटीन ऑफ की बात नहीं है, लाइक बिल्कुल सोए बगैर तुम 2 दिन सुबह सुबह 9 बजे उठ के जा रहे हो, दैट्स एंड कमिंग बैक एट अफतारी। तो गाइज उसके बाद, मतलब मुझे अभी भी याद है जब हम इस्लामाबाद से आ रहे थे तो मैं नहीं सोया था, आई थिंक कोई 2-3 घंटे रात का सोया हुआ था। उसके बाद वापस आके नहीं सोया, सहरी से पहले नहीं सोया, बीच में मैं लिटरली ऐसे हो रहा था। मैं, मेरे ना डैडी साथ हैं, मतलब तालिब डैडी, तो मैंने उनको चाबी बैठाई, मैं कहा डैडी कसम से अब ना मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, मेरा सर घूम रहा है, इट्स लाइक गो गेट सम स्लीप। वो पहले भी स्लीप नहीं ली, तो अभी हमारी जो बेगम है उन्होंने हमें सजेशन दिया कि यार हम लिबर्टी मार्केट जाते हैं, तुम उतनी देर ना 2-3 घंटे सो जाओ आराम से, और हम सही को गहरी नींद सोए। लिबर्टी मार्केट का बड़ा मजा, क्या किस्सा बता रही है वो आपको बताते हैं। भाई हम लोग गुजर रहे थे तो पीछे से एक सेल्स का है, बोलता है एक्सक्यूज मी बाजी ये गिर गया। क्या मार्केटिंग एक्सपर्ट है यार, मैंने ऐसी मार्केटिंग नहीं देखी गाइस। एक्सक्यूज मी बाजी ये गिर गया। हम मुड़ गए, हम नीचे देख के पता नहीं क्या कर, इसका रेट गिर गया यार लिबर्टी तो फुल ऑन बहुत चेंज हो गया। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर हम लाहौर में रहते थे और लाहौर इनफैक्ट बहुत चेंज हो गया। मैंने लाहौर एक्सप्लोर नहीं किया था। हम जब भी आते थे, काम से आते थे या अपना काम करते थे या हॉस्पिटल जाते थे वापस आते थे, इस दफा यार हम वो टीयू चराए गए। अब काफी लोग ना बोलते थे कि वो दुबई के सिटी वॉक कितना लगता है, हमने बोला नहीं कहाँ पाकिस्तान कहाँ दुबई, कोई कंपेरिजन। और आज हम गए, हमने कोई प्रॉपर कोई 3-4 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए, एंड मैं आपको बता नहीं सकता यार, मतलब जेन्युइनली देख के खुशी हुई कि यार ये, मतलब ये हमारे मुल्क की कैपेबिलिटी है, अगर ये हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को नहीं पता कि डीएचए राया क्या है, वहाँ पे क्या होता है। सो बेसिकली ये गोल्फ कोर्स है, उसके साथ एक ना प्रॉपर कमर्शियल स्पेस बनी हुई है। अगर आप कभी दुबई गए हैं ना, तो दुबई में भी इसी तरीके से शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह और सिनेमा वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ पे क्या है, मतलब बड़ा चिलिंग एक अच्छा स्पॉट है, आप जाएँ अपनी फैमिली के साथ बैठें, जरूरी नहीं कि हमने खाना खाना है, वहाँ पे बेंचेस भी बनी है, यू हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली। सिमिलरली अब वो लाहौर में जाहिर है वो रेप्लिकेट हुआ है, तो हमारे, मैं भी देखना चाह रहा था कि हमारा जो मुल्क है वो कैसे उस चीज़ को अडाप्ट करता है। इस पुलिस की पेट्रोलिंग हमेशा हो रही होती है, लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। इतनी खुशी हुई लड़कियों को देख के आराम से, वहाँ पे बेंचेस बनी हुई है, बैठने की जगह बनी हुई है, जरूरी नहीं कुछ आपको खरीदना है। लड़कियाँ इतनी सेफ फील कर रही थी, वो नजर आ रहा था कि मतलब इसे जेन्युइनली फील वेरी सेफ। हम बैठे हैं, कॉफी लेके बैठ गए, वैसे बैठ गए, मतलब आपकी मर्जी है। जेन्युइनली यार दिल से बड़ी खुशी हुई। आपका कभी लाहौर चक्कर लगे लाजमी जाएगा, दूर बहुत है, मतलब तकरीबन कोई घंटा लग जाता है, 40-50 मिनट्स घंटा लग जाता है। ये जरा जहनी तौर पे जरा तैयार करके जाएगा कि दूर बहुत है, ना बोलूंगा पता नहीं यार कहाँ पे मैंने भेज दिया। अगर सीन ये कि हम डीएचए राया गए, डीएचए राय से वापस आए, तो फिर जाहिर है खाने का टाइम कुछ बन नहीं रहा था क्योंकि इफ्तार के लिए गए। ये लोग उसके बाद लिबर्टी मार्केट चले गए, वो भी बड़ी एडवांस हो गई। छोटे से बच्चे होते थे पैराडाइज की कौन खाते थे, अब तो लिबर्टी का पूरा नक्शा बदल गया। तो अनिया मुझे अच्छा हुआ नहीं लिखेगी, पहले मुझे बोली थी कि मेरे साथ चलो घंटे वापस आ जाते हैं, ऐसे औरतों का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए शॉपिंग के टाइम पे। हमने नहीं किया, हमने बोला हम सो जाए, तो हमने नींद को प्रेफरेंस दी और बहुत अच्छा किया क्योंकि ये रात के 1:30 बजे वापस आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज अब टेक्निकली वैसे तो सैरी का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, क्या हो गया अब लोग अर्ली सैरी करते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जाएंगे, आप मेन्यू देखेंगे, ऑर्डर करेंगे। तो हमें एक रेस्टोरेंट बड़ा पसंद आया था, द लॉस्ट ट्राइब, तो क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था तो वी विल मेक श्योर के सब वो ट्राई करें। हमने शैगी को ट्राई कराना है, हमने डैडी को ट्राई करना है, डैडी को हम थोड़ा सा कन्विंस करें, या डैडी को हम थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें कि हमारे साथ चलें, वो देखते हैं कि चलते हैं कि नहीं। तो शैगी से ज़रा अपडेट लेते हैं। चाबी और पर्ची ये रही, ये सिम पकड़ना, मैं ज़रा जूते पहनूँ। ऑल्सो गाइस क्या जिंदगी हो गई है, ये जितने भी जूते हैं ना उसके अंदर ये ऑर्थोटिक्स मैंने डाले होते हैं, इनसोल्स। जिनको नहीं पता, हम हैं फ्लैट फुट, मतलब हमारा जो पैर है ना उसके अंदर कोई आर्च नहीं है, तो अब क्योंकि आर्च नहीं है तो इसीलिए अब हमें इंसोल्स डालने पड़ते हैं, अदरवाइज भाई पैरों में बड़ी दर्द होती है। गाइस
ऐसी कुछ जिंदगी है, लेकिन स्टिल नॉट कंप्लेनिंग। वैसे जूते भी दिखा रहा था, मैंने पहली दफा पहने, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ हम खुद करते हैं, अपने आप को बूस्ट भी हम खुद करते हैं, लेकिन यार लाहौर में अगर आप इधर उधर चले जाए ना, जूते बड़े गंदे होते हैं। तो मैंने क्रॉक्स भी रखे हुए हैं गाड़ी में, जब मुझे अच्छी जगह जाना होता है मैं ये पहन लेता हूँ और मैं गाड़ी में ही चेंज कर लेता हूँ। मतलब टेक्निकली क्रॉक्स चप्पल की तरह होते हैं, तो फिर उसको मौके की मुनासिबत के हिसाब से पहनते हैं, क्योंकि गंदे हो जाएंगे। वेलवेट टाइप के स्वेड जूते हैं यार ये, ऐसे गंदे होने ना यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने एक दिन पहने हैं, ये देखें। रूम सर्विस, आर यू गाइस रेडी? यस रेडी, बस डॉक्टर सिद्दीकी इज रेडी। हाय मान, डॉक्टर सिद्दीकी रेडी? डॉक्टर सिद्दीकी आप रेडी हैं? ओ बेचारा रेडी, वो सुबह तो ये अन्य, ये आपकी चीज है, बहुत सपोर्ट करते हो। अंकल करना चाहिए ना बीवी को। हाय मान, ये जो टिड्डी है ना, ये मुझे पूरे दिन के बाद देख रही है, क्योंकि गई हुई थी पार्टी करने अपने दोस्त के साथ। व्हाट फ्रेंड? मीरा। नो भाई, व्हाट? नो, मैं ले आई हूं। क्या वो सिनेमन रोल स्टूडेंट्स वगैरह? ये सप्लायर बनी हुई है हमें मोटा करने के लिए, और इसने फुल ऑन ठानी हुई है कि ये हमें मोटा करके ही फुल ऑन सप्लाईज कर रही है। कुकीज, ब्राउनीज, डोनट्स, सिनेमन रोल्स। ईमान, मैं ना अच्छा खासा ना, मैं सही हो रहा था। नाउ आई थिंक आई विल बी फैट। अरे भाई, जस्ट वन मोर डे, ओके? यू कैन गो बैक टू सांबा एंड बी बैक टू योर रूटीन। अभी के लिए यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। ये हर दफा ऐसे ही करते हैं जब कराची भी जाते हैं ना। कोई बात नहीं, आज सिर्फ एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट करते करते मोटा कर देते हैं। ठुसा ठुसा के अंकल को कन्विंस करने की कोशिश करें। आप उठ जाएं बस, आप मेरी बात नहीं सुनते ना। मैं पहले हाथ जोड़ता हूँ, जान तो इतनी है, कुछ नहीं दे रहा। अरे वो गिव अप भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। ठीक है आपकी तबीयत? ठीक है, ठीक हो रही है, उसी के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे किया करें, ऐसे करें, ऐसे करें। ये तो खाली एक अंगूठा, पूरा हाथ में है ऐसे। वेरी गुड। आज के दिन आप लोगों से मैं खिताब करने आई हूँ कि याया खान जो है वो हमारे साथ खाने पे जा रहे हैं, और अभी उनको एक मिनट में उठाऊं, बिल भी वो देंगे। जल्दी उठाए ना, फिर हम चलें ताकि ऑर्डर भी करें। ऐसे थोड़ी फोन पे थोड़ी लेंगे। हाँ हाँ, स्वेटर आपका है। ये क्या है? गिफ्ट। ये वो तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, पहले शक्ल देख लो। ईमान, मेरी अलग डाइट खराब करती है। हाँ, खुद तो तुम कुछ खाते नहीं। हम कुछ नहीं खाते डाइट के अलावा। अंकल को लगता है हम सारा दिन बाहर खाते रहते हैं। नहीं, ड्राई मुझे ना दे, और उसके अंदर सिर्फ शहद। अच्छा, आप क्या कह रही थी, ये क्या है? हेल्थी। क्या हेल्दी? जब खाएगा बंदा तो ये पूरा दबा के खाएगा ना। ये देखो, खजूर, बादाम, अखरोट, तो काजू, क्या है इसमें? और इसमें चीनी भी तो होगी। चीनी, शहद, हो देसी घी। हाँ, घी है। हाँ तो घी भी हेल्दी। आप पराठे में कैसे डालती हैं इस तरह करके? देसी घी हेल्दी है। हाँ, तो कम अमाउंट्स में। चीटिंग करके इस तरह ये लोग खिलाते हैं, फिर बोलते मोटे हो गए और डाइट नहीं फॉलो करते। ये बहुत मजे का। डॉक्टर सिद्दीकी को उठाए ना, उठे नहीं अभी। आ जाए अंकल, हम ठीक कर लेंगे। तबियत आ जाए, आ जाए, आ जाए, हम ठीक कर देंगे, आ जाए। गाइस, प्लान सक्सेसफुल। डॉक्टर सिद्दीकी हमारे साथ जा रहे हैं, एंड अभी डॉक्टर सिद्दीकी को हम फ्रेश कराएंगे। बेस्ट फूड यू एवर हैड इन पाकिस्तान। ये तो वैसे लिफ्ट में कोई जाने वाला है ही नहीं, 3% लिखा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे दो भी आते होंगे। हम पहले इस लिफ्ट को तीन कैसे आए, पतले पतले तो हैं, हम तीन दिन आ गए, लेकिन बहुत फंस फंसा के आए थे। अभी हम इसको नीचे भेजेंगे,
ये देखें, जब ये नीचे चली जाएगी उसके बाद फिर हम बड़ी लिफ्ट में जाएंगे, 6% वाली में आने वाली है। बहुत चला के उसे पता है मेरे पे वजन नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं बिजली का। गए गए यार, ये देखो एक मिनट, कोई कोई और बटन दबाने दो, वेट 12 दबाने दो और फिर इसको करता हूँ बंद। आई होप चली जाए जल्दी। लग रहा है कोई सेंसर वेंसर इसके अंदर होगा। तो अभी भी ना गई तो सुधाई हुई है, मैं तो चाहती हूं कसम से। चली गई, चली गई। हां चलो चलो चलो, अब दबाओ। क्रैक कर ली वैसे लिफ्ट का यहाँ पे कोड, पार्टी आ गई वैसे फिट यहाँ पे। हाँ अभी दो लोग और भी आ सकते हैं। देखो 1000 केजी मैक्सिमम है, हम तो 500 भी नहीं होंगे मिला के। वाओ ही हैज सीरियस डाउट्स। नहीं होंगे 500 केजी नहीं होंगे ना। नहीं ऑफ कोर्स नहीं। गाइस ईमान वैसे आ तो जाएगी सीट पे, पता नहीं क्यों डिग्गी में बैठ रही है यार वैसे। वाओ ये बेचारी हमेशा ऐसे पिसती है। ईमान आ जाओ। कंफर्टेबल था? यस। आज लाहौर वाले में पहली दफा आए हैं एंड मिशन सक्सेसफुल। डॉक्टर सिद्दीकी इज विद अस एंड फैंसी लग रहा है ये भी। मतलब इस्लामाबाद वाले के भी एस्थेटिक्स अच्छे हैं बट यहाँ वाले के भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आउटडोर बैठना है, अरे मच्छर काटेंगे। बिस्मिल्लाह। ना ऑर्डर पहले से पता है। हमें अपना ऑर्डर पहले से पता था, हमें मेन्यू भी देखने की जरूरत नहीं है वैसे, सब ऑर्डर तो करते हैं एंड फिंगर्स क्रॉस। बहुत बड़ा क्लेम हमने किया है, मैंने इनको बोला है कि मीट के साथ दिस इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान, बेटर देन कुलाल। बहुत बड़ा क्लेम है। इज्जत का कचरा ना होता, हम तो इस्लामाबाद वाले के वाच करते हैं, यहाँ का भी आई होप सेम ही हो। फूड इज हियर, फिंगर्स क्रॉस्ड। अनिया, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू लिव अप टू द हाइप? इज्जत का सवाल है वैसे, बताओ इज्जत है बरकरार? Yes. ये अभी हम क्योंकि चर्बी में लिपटा हुआ लिपटी हुई रोटी है। बताइए क्या कैसी लगी? बताएं आपका रिव्यू रहता है। बहुत नमकदार है। ये लास्ट। एक तरफ हमें रिस्पांस थोड़ा सा फीका मिला, यहाँ पे बताएं आप बताएं। बहुत मजेदार। फिर लाइक कोई कमी पेशी कोई इधर उधर? रियली? हाँ सीरियसली। तिवारी में नमक तो डलता है, नमकीन बनता है ना, नमकीन बोटी। लेकिन आई जेनुइनली फील के गाइस इस्लामाबाद, या तो हम बहुत प्रो इस्लामाबाद हैं बट इस्लामाबाद वाला थोड़ा सा हमें बेटर लगा अभी तक, बोटी तक, बाकी एंड पे। रियली वाला रोज पे आ गया और कीमा भी। जरा कीमे का रिव्यू तो बहुत है लेकिन हॉनेस्ट हॉनेस्ट रिव्यू। हमने बोला था सबको कि गुलाब जामुन खाने के बाद जजमेंट बनाएं। ये जो है यहाँ की जो रबड़ी है वो थोड़ी सी थिक है इस्लामाबाद वाली से, इस्लामाबाद वाली की थोड़ी पतली सी है, थोड़ा दूध दूध टाइप। अच्छा लेकिन फिर भी इंटैक्ट है। ईमान बोली थी 3 मिनट केक वाली फील आ रही है। हाँ थोड़ी सी आती है। ईमान को 3 मिनट केक नहीं। हाँ अच्छा आप अब बताएं, आप टोटल एक्सपीरियंस बताएं। हाँ अब रेट कुकी चढ़ी? कुकी तो बहुत चढ़ी है और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा है नंबर 1 इज अफगानी टिक्का। ओके बीफ टिक्का। ओके नेक्स्ट नंबर 2 कीमा। कीमा नंबर 3 रोश। ओके और मेरा ये रिव्यू जो है इसको 10% और इन्हेंस कर दें बिकॉज टुडे ये लोग हमें इफ्तार पे ले गए, वहाँ पे वॉक पे राया पे और वहाँ पे इफ्तार किया, पेट भरा, उसके बाद कहते हैं अब हम TLT जा। मैंने कहा दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया, हमारे पास टाइम भी नहीं है बिकॉज वी गोइंग बैक टुमारो, तो आना ही था। हाँ तो ये बहुत एडमेंट थे कि खा के जाए, तो बस
तो इसमें 10% और इन्हेंस कर दें, अगर भूख लगी होती तो फिर और मज़ा आता, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। रेटेड आउट ऑफ 10 अभी 9.5। बड़ी बात है, 9.5 मतलब भूख लगी थी तो 10 आउट ऑफ 10। ज़्यादा क्रिटिकल पूछो। डॉक्टर सिद्दीकी, कैन यू प्लीज गिव योर रिव्यू, हाउ डिड यू लाइक द प्लेस, द फूड, द डेजर्ट? दिस इज वेरी नाइस प्लेस, एवरीथिंग इज ओके, बट यू नो देयर आर थिंग्स, द फूड अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर, एंड यू इन बिकॉज़ इट इज नमकीन एंड इट हैज अ लॉट ऑफ साल्ट। हम अपने पीस को वापस डालें, हम जरा जा रहे हैं होटल। चलो पीस अंदर, हाँ फिट हो जाओ, हाँ सर बचाना बंद करते हुए, थोड़ा लेफ्ट उधर अंदर की तरफ करो, बिल्कुल ओके। हेलो जी गाइस, ये कि रात को हम सैरी वेरी करके फिर सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए, हम याया रेडी को लेके गए उनके स्कैन के लिए, फिर वहाँ से हम तकरीबन आई थिंक 12 बजे के आसपास फारिग हुए। फिर इसके बाद मेरे अपने अब्बा ने मुझे कॉल की कि बेटा काम नहीं करना, फिर हम सुबह से बाहर थे एंड अभी हमने उनको ड्रॉप किया, उन्हें पप्पो के घर पर उनको ड्रॉप किया, हम थोड़े से ना तंग आ गए बाहर ओवर प्राइस इफ्तारी के लिए। मैंने ये एस्टैब्लिश किया तो जमाने गए भाई जब 1,000-1,500-2,000 पर हेड वाली इफ्तारी होती थी, इस दफा एवरेज इफ्तारी इज 3,500-5,000 रुपीज। यार 5,000 रुपए की इफ्तारी कोई सेंस बनती है, और ऊपर से आप कुछ खा भी नहीं सकते, मतलब दिल ही नहीं करता खाने का। तो फिर आज आपके भाई का जो मास्टर माइंड है ना वो काम आया, वो जागा और उसने सोचा कि आज हम जरा बाहर से लेते हैं। 480 रुपए के समोसे हमने लिए, खाना जो है वो हम फूड पांडा से ऑर्डर करें, हम वो महंगे हैं लेकिन वो ये ऑर्डर करें ऑफ कोर्स, हम तो हर चीज का जुगाड़ निकाल सकते हैं। एंड आज की इफ्तारी हमारी होगी बहुत सस्ती, मजबूत, टिकाऊ, और आज इन लोगों का आखिरी दिन है, ये लोग जा रहे हैं, इनको एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है, एंड हमें लगा था एक ही गाड़ी में सब कुछ आ जाएगा, तो अफराद तो आ जाएंगे एक गाड़ी में लेकिन आई डोंट थिंक सामान आए, सामान की वजह से हमने एक और गाड़ी कराई। और ये भी समोसे ना देख के मुझे कुछ हो रहा है, नहीं मुझे नहीं सुनना। आलू के समोसे की जो, और वो भी बाहर के समोसे जो होते हैं वो बड़े वाले, ओ हो हो टेंप्ट कर रही हो। हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं और ये देखें यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह नबिया। गाइस हम फाइनली एयरपोर्ट पे, कार के बाद मैं सो गया एंड अब हम जरा ड्रॉप करने आए हैं, आपको नजर आ रहा होगा ऐसे नींद से भरी हुई बराबर मेरा चेहरा है, मान सम्मान भी निकाल लिया है, ज़्यादा बड़े नहीं छोटे छोटे से हैं, ईमान और उम्मा एक में थे गाड़ी में और बाकी हम पार्टी एक में, ये भी क्या है ये, वो रख दो रख दो रख दो, बूजी फिट व्हील चेयर आई, व्हील चेयर चाहिए नहीं भी आ गई। तारी के बाद और सबको ड्रॉप करने के बाद एक काम है जो मैंने किया होगा, इसके लिए मेरी हालत टाइट हो रही होती है, कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स
कॉफ़ी गाइस। सो यहाँ को कॉफ़ी हाउसेस ट्राई करना था हमें, भाई सिर्फ सिंपल कॉफ़ी चाहिए, बस कॉफ़ी। मेरा दिमाग जो ऐसे सो रहा होता है ना वो जागे, जैसे आप आदि हो जाए ना, ये वो चाय वाला सीन है, नींद आ रही है, चाय दे दो। कैसी है आपकी? कुछ छोड़ छाड़ के अब हम ज़रा जा रहे हैं हमारे डिनर डेट टाइम पे, अलोन डेट टाइम। सो दो तीन दिन से हमारी फैमिली डेट हो रही थी, तो अब हमने सोचा कि ज़रा हमारी अलोन डेट भी होनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने खाना मंगाया हुआ था, बट हमने सोचा कि यार सर बाहर जा सर क्वालिटी टाइम होना चाहिए, इसलिए हम जरा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या करें? ज़ैनब ने रेकमेंड किए, प्लेस इज कॉल्ड वीरा फाइव। ज़ैनब अपनी ज़ैनब ये है वीरा वी वीरा फाइव है कि पता नहीं, सॉरी वीरा फाइव, वीरा फाइव चेक करते हैं है कैसे। शुरू में तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि कैंडल लाइट डिनर हो रहा है हमारा, कैंडल लाइट, और ये ऐसे नकली नहीं ऐसी असली मोमबत्तियाँ, फील फैंसी फैंसी फीलिंग आ रही है। जैसे हमने थाई ग्रीन करी मंगाई, टॉम का सूप मंगाया था, और ये क्या था? ड्रंकन नूडल्स। ड्रंकन वो क्या होता है? पी यू नूडल्स सॉस में। अच्छा वो वाली। गाइस गाइस इतना कोई अंडररेटेड रेस्टोरेंट था, एक तो जाते साथ ही ना मूड ऐसे अच्छा हो गया, ऐसे वुडन वुडन चीज़ें, लाइटें, म्यूजिक, ऐसे एड शीरन लगा हुआ था। और फिर जब आया खाना, ओ भाई साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अमेजिंग अमेजिंग थाई फूड। और थाई फूड खाकर ना आपकी नासें खुल जाती हैं, आपका अंदर का ना सारा सिस्टम जो है ना वैसे साफ हो जाते, क्योंकि मिर्ची होती है ना, बड़ा ही मज़ा आया गाइस। मतलब हाईली रिकमेंडेड, वीरा फाइव इज़ वेरी नाइस, यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई इट। मुझे ना वेटर ऐसे देख रहे थे, मुझे आइडिया हो गया कि भाई वो क्लोजिंग का टाइम है, तो वो सोच रहे होंगे एक तो आए भी क्लोजिंग पे हैं और ऊपर से बैठे हैं, निकल भी नहीं रहे, वो लाइट बंद आहिस्ता आहिस्ता ना, एक लाइट बंद की दो, फिर मैं समझ गया मैं, अच्छा चलो यार निकलते हैं, फिर उनको भी घर जाना होगा, बट हाईली रिकमेंडेड। चलें गाइस आज के दिन करते हैं यहाँ पे ख़त्म, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।